उद्गायतीनाम् अरविन्दलोचनम् प्रजांगनानाम् दिवमस्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशामङ्गलम्। नंद परमानंद की मूर्ति और एक है श्री कृष्ण का, श्री कृष्ण का अनुचर। अब ये दोनों बैठ गए बातचीत करने के लिए, तो रात कब बीत गई इसका पता ही नहीं चला। शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है, यदि कोई भगवान का नाम लेवे तो ये एक रात नहीं, ब्रह्मा की रात, विष्णु की रात, रुद्र की रात, ब्रह्मा की रात से बड़ी विष्णु की रात होती है और विष्णु की रात से बड़ी रुद्र की रात होती है। माने महाप्रलय कब हुआ और कब महासृष्टि हो गई इसका पता नहीं चलता है, मनुष्य नाम के बल से भगवान के स्वरूप में स्थित हो जाता है। और ये नंद और उद्धव दोनों उन्हीं भगवान के लीला चरित्र का परस्पर संकीर्तन कर रहे हैं। संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नामना, उन्हीं के गुणानुवाद का, उन्हीं की लीला का संकीर्तन प्रेम में मग्न होकर के कर रहे हैं। एक मामूली सी रात बीत गई तो इसमें क्या आश्चर्य है, ये तो कैमुतिकर न्याय से ही ये रात का बीतना सिद्ध है। एवं निशाता ध्रुवतो व्यतीता, सा निशा साच निशा, ऐसे बोलते हैं। एक होती है अज्ञानियों की रात और एक होती है ज्ञानियों की रात, तो कौन सी बड़ी है?
अरे अज्ञानियों की रात बड़ी है और ज्ञानियों की रात छोटी है। या निशा सर्वभूतानां सत्यां जागृति संजमी, ये तो अज्ञानियों का जो दिन है वो माने सृष्टि है, प्रपंच है, नाम रूपात्मक प्रपंच है, ये अज्ञानियों का दिन ही ज्ञानियों की रात है। और जो ज्ञानियों का दिन है परब्रह्म परमात्मा, वो अज्ञानियों की रात है। तो दो स्थिति हुई, एक लौकिक और एक पारमार्थिक। तो जब उद्धव और नंद बात करने लगे तो लौकिकी निशा और पारमार्थिकी निशा दोनों व्यतीत हो गई। तो दोनों व्यतीत हो गई इसका क्या अर्थ? नैकात्मता में सृहयन्ति सन्तः मत्पाद सेवाभिरता मदीहा अन्योन्यतो भागवता प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि। अज्ञानियों की रात है ब्रह्मात्मैक्य बोध और ज्ञानियों की रात है प्रपंच, लेकिन जब भगवत लीला में मग्न हो जाते हैं तो दोनों ही रात का पता नहीं चलता। बोले ये क्या, ये बात है कि ऐक्य में तो भेद दर्शन नहीं है और संसारियों का जो दिन है उसमें ऐक्य दर्शन नहीं है। संसारियों के दिन में ऐक्य दर्शन नहीं है और ज्ञानियों के दर्शन में भेद दर्शन नहीं है। ज्ञानियों की रात में, ज्ञानियों के दिन में भेद दर्शन नहीं है और अज्ञानियों के दिन में ऐक्य दर्शन नहीं है। और ये जो भगवत लीला है ये ऐक्य दर्शन और भेद दर्शन का समन्वय है। यहाँ सगुण साकार ब्रह्म तो संसार तो है नहीं, संसार से ज्ञानियों की रात नहीं है और यहाँ बिल्कुल कैवल्यात्मक ब्रह्म भी नहीं है। यहाँ तो चलता फिरता सगुण ब्रह्म है। दोनों से विलक्षण अवस्था होती है भगवत चर्चा में। न तो ये समाधि है जिसमें प्रपंच का द्वैत का भान ही न हो, ऐसी समाधि नहीं है, और जिसमें केवल द्वैत ही सत्य हो ऐसा प्रपंच भी नहीं है। ये सत्संग जो है, भगवत चर्चा, ये ऐसी कड़ी है जो दोनों से विलक्षण। तो उसमें वो निशा भी बीत गई और वो निशा भी बीत गई। ये निशा शब्द जो है ये निश है, हो निश मूल में, इसी से नित शब्द बनता है संस्कृत में नित, और ये अंग्रेजी में जाके नाइट हो गया है ना। देखो कितना मेल बैठता है। ये निशा शब्द तो का शब्द जो है वो तो भागुनी मत में है, पाणिनी मत में निशा शब्द नहीं है। पाणिनी मत में तो नित शब्द है। भक्ति भादुरी रंगोपम अवाप्यो उपसर्गे हो आपम तो हलंता नाम जथा बाचा निशा दिशा। तो ये भादुरी मत में निशा शब्द है, पाणिनी मत में नित शब्द है ना। तो ये निशा जो है कोई भी रात नहीं रहेगी, अंधेरा ही दूर हो जाएगा तुम्हारी आंख के सामने से यदि भगवान की लीला में लग जाओ। यही भक्त का काम है, वो अपनी रात कैसे बिताता है तो भगवान की चर्चा में। अब देखो गोपियों की बात, तो गोपियों की बात कैसे शुरू होती है। तो गोपियां सोई थी, नंद बाबा और उद्धव जी जाग रहे थे और गोपियां सोई थी। तो बोले बाबा ये क्या, गोपियां इतनी प्रेमी हो करके और श्याम सुंदर के विरह में सोती हैं, तो इस पर विचार करो। तो बोले गोपियां ये गोपी है, गोपनाथ गोपियां, ये श्री कृष्ण के प्रेम को गुप्त रखती हैं,
तो नंद बाबा और उद्धव जी तो कृष्ण प्रेम को प्रकट रखते हैं, इसलिए वे जाग के बातचीत करते हैं, सोते नहीं है। लेकिन गोपियाँ तो ऐसी है ना जो अपने प्रेम को प्रकट भी नहीं कर सकती, गुप्त रखती हैं, इसलिए उनको रात को सोने का अभिनय भी करना पड़ता है। वो लोगों को दिखाने के लिए सोती हैं, सास को, ससुर को, पति को, देवर को, माँ को, बाप को, सबको मालूम पड़े कि ये गोपी अभी सोई हुई थी। वो प्रेम भी करती है और प्रेम को छिपाती भी है, इसीलिए उसका नाम गोपी है, गोपनाथ। गोपन करने के कारण ही उसका नाम गोपी है, इसलिए वो। और ये यदि पंचम लकार है, वो ये गोपियाँ जब सोती है ना तो भी एक पंचमो लकार दो मात्र देकर, ये वैदिक लकार है, कौन सा लेट, हाँ लेटना जो है उस समय भी जब वो सोती है, जब वैदिक धर्म में ही है, कोई अवैदिक थोड़ी होती है। नारायण आओ समुत्थाय निरूप्य दीपान वास्तु समभ्यर्थ्य दधी नियमंथन। तो एक तो गोपन जो है ये गोपी का स्वभाव है, इसलिए गुप्त रखते हैं। अब समुत्थाय उठ के खड़ी, तो ये समुत्थान जो है, अब ये विरह जो सताने वाला है उनको, उनके विपरीत ये गोपियों का समुत्थान है कि सोती रहे। सोती रहने से तो कोई काम नहीं बनता है, तो श्री कृष्ण के लिए उठ करके खड़ी हुई, वो कृष्ण के लिए सोती हैं और कृष्ण के लिए जाए। फिर क्या किया का निरूप्य दीपान, दीपक जलाया, प्रकाश चाहिए ना, उत्थान है उसके बाद प्रकाश है, तो जिसके जीवन में उत्थान भी हो और प्रकाश भी हो वो क्या करेगा, बोले अर्चा करेगा। तो वास्तुं समभ्यर्थ्य, वासुदेव भगवान का निवास स्थान जो उनका वास्तु है, ये वासु शब्द और वास्तु शब्द एक ही है, इसमें कोई फर्क नहीं समझना, जो अर्थ वासु का है वही अर्थ वास्तु का है, बसत यस्मिन निति। पूजा के घर की पूजा क्या, तो देहली पर देखो ना, दक्षिण में चले जाओ, प्रातः काल जाओ, क्या घर के बाहर और भीतर गाय के गोबर से लीप के और चौका पूर के और उसमें नाना प्रकार के मांगलिक चिन्ह बना करके, अक्षत और पुष्प रख करके, क्या अपने घर द्वार की पूजा करके स्वच्छ रखते हैं। अच्छा भाई, जो चाहे कि हमारे घर में भगवान आवे, उसको अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए, बोला। और जो चाहे कि हमारे घर में दरिद्रता आवे, उसको अपना घर अस्वच्छ रखना चाहिए। तो गोपी चाहती है कि हमारे घर में श्याम सुंदर आवे, रोज इसी आशा से उठती हैं, इसी आशा से दीपक जलाती हैं। दीपक जलाते समय उनके मन में ख्याल रहता है कि हम तो सो गई थी या लेटी हुई थी या हमारी आंख बंद थी या ध्यान में थी, कहीं चुपके से पांव दबा के वो चोर आ न गया हो घर में, बड़ा चोर है ना, कहीं रात को घुसना आया हो, पहले छोटा था जब दिन में आता था, अब बड़ा हुआ तो शायद रात में घुस आवे, तो जरा दिया जला के देख तो न। तो निरूप्य दीपान और वास्तुं समभ्यर्थ्य, अभी नहीं आया तो क्या, अब आवेगा। और दधी नियमंथन, सही हंसने लगे, कहिए स्वाभाविक धर्म है उनका, गोपी है तो गोपी का धर्म है दधी मंथन, लेकिन बात इतनी नहीं है, ये तो किसी काशी के पंडित से पूछो कि उन्होंने दही क्यों मथा, तो वो ये बता देगा ये ग्वाल हैं, इनके घर में गौए हैं, दूध होता है ना, दही मथी नहीं। किसी प्रेमी से पूछो तो पता चलेगा ये दही क्यों मत रहे हैं, ये श्याम सुंदर तो ललचा रहे हैं, जब वो सुनेंगे कि गोपी के घर में दही मथा जा रहा है, तो दही मथने के बाद क्या होता है, लोदे का लोदा माखन निकलता है,
तो जानती है कि वो चटोरा है, उसके मुंह में पानी आ जाएगा। और यदि हम दही मक्के और माखन माखन निकाल के रखेंगे तो वो कहीं न कहीं से घात लगाए के व्यापार करके बात करते हैं। इसी से जहाँ निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति में कर्म और उपासना साक्षात साधन नहीं है, वहाँ सगुण ब्रह्म की प्राप्ति में कर्म की साक्षात साधन है। कैसे? वो तो ईश्वर की कृपा से समझो, जब हम उसके लिए संकीर्तन करने लगते हैं, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो सुनता है कि नहीं सुनता है? उसको क्या ये नहीं मालूम पड़ता कि हमको कोई पुकार रहा है? तो सगुण ईश्वर को ये बात मालूम पड़ती है कि ये जो बोलने का कर्म कर रहा है, या चलने का कर्म कर रहा है, या माला घुमाने का कर्म कर रहा है, ये मेरे लिए कर रहा है और मेरी प्राप्ति के लिए कर रहा है। इसलिए सत्पद वाच्यार्थक प्रधान जो उपासना होती है, उसमें सत्पद का जो वाच्यार्थ है वो अपनी कृपा से शक्ति से अपने लिए कर्म करने वाले के सामने आकर के प्रकट हो जाता है। कर्म जो है वो कृपा को क्रियाशील बनाने वाला है। इसलिए सगुण सिद्धांत में भगवत अर्थ जो कर्म है, संकीर्तन आदि, वो भगवत प्राप्ति का साक्षात हेतु माना गया है। तो अब गोपी जो है सुनने के लिए खड़ा है, वो उसके लिए तुम थोड़ी भी चेष्टा करो, कर्म करो, वो कृपा करके मिलता है। चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर कथयंतम सतत युक्ता भजता प्रीति पूर्वक ददा बुद्धिपूर्व तम देवानुकंपार्थम अहमज्ञान। तो ये गोपियों का कर्म जो है सभी मंथन कर्म है, परंतु ये कर्म भी ईश्वर की प्राप्ति के लिए है। इसलिए देखो, गोपी का शरीर कैसा, गोपी का कर्म कैसा, गोपी की वाणी कैसी, सबका वर्णन करते हैं शुकदेव जी महाराज। क्योंकि भक्त का दर्शन होने से, भक्त के आस पास मंडराते हुए जो भगवान हैं, उनका भी दर्शन हो जाता है। आप कृष्ण को पुनर्वे जाओ नहीं मिलेंगे, पर गोपी की ओर देखो तो उसके दाएं बाएं कहीं से झांक रहे होंगे, बोला कहीं पेड़ की आड़ में से, कहीं पर्वत की गुफा में से, उनकी आंख कहाँ है? तो अपनी गोपी पर है। सखा को देखो तो उसके कंधे पर कृष्ण कहाँ है? ये भक्ति सिद्धांत कोई साधारण नहीं हो। सादी बदी तैर मणि भिर फिरे रज्जूर सुदर्शद भुज कंकण सदहा। गोपियों के हाथ में आभूषण मणि है, उनके शरीर में जो आभूषण है उन आभूषणों में मणि जड़े हुए हैं। भला गोपियां तो साधु थी, भक्त थी, उनको मणि की क्या जरूरत? तो उनके ध्यान में ये बात थी, यदि हम कृष्ण के जाने पर मणि उतार देंगे तो गांव वाले यही न कहेंगे कि कृष्ण के जाने से इन्होंने मणि उतार दिया। अच्छा कहो गांव वाले, उसकी बात छोड़ो, कहीं कृष्ण आज आ गए और उन्होंने देखा कि गोपियों के शरीर पर ना आभूषण है न मणि है, तो उनको खेद होगा कि नहीं? तो उनको खेद, तो उनको खेद न होने पावे, इसलिए अपने आभूषणों में मणि धारण करती है गोपी। निजांग मबिया गोपियो ममेति समुपासते ता भी अक्षरम न मे किंचन निगूढ़ प्रेम भाजनम। अर्जुन ने पूछा कि श्री कृष्ण तुम्हारा सच्चा प्रेमी कौन है, बताओ तो। बोले कि मेरी सच्ची प्रेमिका तो गोपियां, उनसे पढ़ करके मेरे गुप्त प्रेम का पात्र और कोई नहीं है। तो अरे भाई गोपियों में ऐसी क्या विशेषता है? गोपियों में ये विशेषता है कि निजांगम अभिजा गोपियो ममेति समुपासते। गोपी अपने हाथ में कुंदन पहन रही, या हाथ धो रही, या वस्त्र धारण कर रही, तो उसके मन में यही है
ये जीवन कृष्ण का है, ये शरीर कृष्ण का है, ये प्राण कृष्ण का है, ये मन कृष्ण का है। प्राणों को रखना चाहिए क्योंकि ये कृष्ण के हैं। शरीर को ठीक रखना चाहिए क्योंकि ये कृष्ण का है। यदि इस पर अच्छा वस्त्र नहीं रहा, यदि इस पर अच्छा आभूषण नहीं रहा, यदि इस पर मणि नहीं रहे, तो कृष्ण इसको देखेंगे तो उनको दुख होगा, उनको खेद होगा। नहीं नहीं, हमें अपने शरीर को बिल्कुल ठीक रखना चाहिए। तो मणि है, और जब दिया उन्होंने जलाया तो दीपक की रोशनी और मणि की रोशनी मिल करके जगमग जगमग सारा घर ही जगमगाने लग गया। हो अब गोपी का दर्शन वैसे तो मणि की रोशनी में भी हो सकता था, लेकिन दीपक की प्रभा से और घर प्रकाशमान हो गया और झिलमिल झिलमिल ज्योति झलकने लगी। रज्जू सुदर्शन भुज कंकण स्रज, और रस्सी खींच रही है। आजकल के लोग कहीं आठ पाव पाव भर है ना, देर भर दूध जमा देते हैं, और कभी हाथ से मथानी चला ली तो बोले कि भावना बहुत परिश्रम हुआ। अब पहले ऐसा थोड़ी था कि पाव भर दूध मतना है। किसी के घर में कितनी गाय है, किसी के घर में कितनी गाय है। कहते हैं नंद बाबा के घर में तो ऐसी व्यवस्था थी कि लाख गाय का दूध 10,000 गायों को पिलाते थे, 10,000 गायों का दूध 1,000 गायों को पिलाते, 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाते, 100 गायों का दूध 10 गाय को पिलाते। उसके बाद जो पद्म गंधा गऊ थी जिसके दूध में से कमल की गंध निकलती, उस दूध को औट करके श्याम सुंदर को पिलाते। उसका दही जब जमाया जाता तो उसकी साड़ी श्याम सुंदर को खिलाते, उसमें से जो मक्खन निकालते वो श्याम सुंदर को देते। वो देखो ना, गऊ ही गऊ, क्या प्यार है। तो खड़ी होकर के हो बड़े मटके में दही, और सामने खम्भा, खम्भे में रस्सी बंधी हुई, और मखानी और बड़ी मखानी, और खड़ी होकर के लहंगा पहने हुए, ये जो ग्वालियर है ना, लहंगा पहने हुए तगड़ी होती हैं, कोई ऐसे नहीं, ये नहीं सुई हुई नहीं सी किया भरवा, जैसे रोज एकादशी हो खाने को लगता ऐसे भजवे नहीं तो सही दूध। तो वो खड़ी होकर के दही मसने की पद्धति, रज्जूर विदर्शत रस्सी खींच रही है, रज्जूर विदर्शत भुज कंकण स्रज, रस्सी खींचती है जिन भुजाओं से उनमें भी कंकण है, वो आपस में टकराते हैं वो तो आवाज होती है, वो कान में कुंडल है, वो कपोल पर नाचते हैं, बोला वो कपोल पर नाचते हैं, बालों में फूल है वो झरते हैं। ये समय भागवत में ऐसा वर्णन है, किसी भी स्त्री के श्रृंगार का यदि वर्णन होगा तो बालों में फूल का जरूर वर्णन होगा। तो बालों में फूल हैं, आभूषण हैं, चलन नितंब स्तनहार कुंडलो वक्षस्थल का वर्णन किया, हिलता है नितंब, हिलता है हार है, हृदय पर हार है, कानों में कुंडल है, उनकी झिलमिल कांति कपोलों पर खेल रही है, और बाहुलिक देश का जो कुमकुम है रक्त कुमकुम, रक्त केसर, रक्त केसर उनके अंगराग जिसको कहते हैं, जिससे शरीर कुछ लालिमा लिए हुए दिखाई पड़ता है, वो उनके मुख पर लगा हुआ है। ये तो उनकी शोभा का वर्णन। अब ध्यान जब उनका हो जाए तब देखो कर क्या रहे। तो रज्जू की तरफ कर्म का वर्णन किया ना, शरीर का वर्णन किया, शरीर से होने वाले कर्म का वर्णन किया, उनका शरीर भगवान के लिए और उससे होने वाला जो कर्म है ना उनका वो भगवान के लिए। ये प्रेम का यही स्वभाव है कि वो जिससे जुड़ता है ना उसके लिए कर्म भी खींच ले जाता है और शरीर भी खींच ले जाता है। मन पकड़ता है पहले, प्रेम मन को पहले पकड़ता है, और बुद्धि को और इंद्रियों को और शरीर को बाद में पकड़ता है।
और ज्ञान बुद्धि को पहले पकड़ता है, मन को, इंद्रियों को, शरीर को बाद में पकड़ता है, और धर्म शरीर को पहले पकड़ता है और मन और बुद्धि को बाद में पकड़ता है। धर्म शरीर से प्रारंभ होता है, ज्ञान बुद्धि से प्रारंभ होता है, और राग जो है वो प्रेम से प्रारंभ होता है, राग जो है मन से प्रारंभ होता है। तो अब देखो इनकी वाणी का वर्णन करते हैं। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, इसका अर्थ ये है कि रात्रि काल में गोपियों को श्री कृष्ण के विरह का स्मरण नहीं होता है, और नंद बाबा को रात्रि काल में श्री कृष्ण के विरह का स्मरण होता है। इसका हेतु क्या है? रात्रि काल में गोपियों को ऐसा नहीं लगता कि श्री कृष्ण से हमारा विरह है, रोज उनकी स्फूर्ति में, उनकी चित्तवृत्ति में रात्रि भर श्री कृष्ण रहते हैं। और नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा के पास तो रहते ही रात को थे कृष्ण, दिन भर गाय चराते थे और लौट के रात को रहते थे। अब रात को जब कृष्ण नहीं मिलते हैं तो उनको व्याकुलता होती है, और गोपियों के पास रात भर नंद बाबा के पास हैं, दिन भर गोचारण करते हैं, तो गोपियों को गोचारण के समय तो कभी मिलते कभी नहीं मिलते, क्योंकि वेणु गीत गोचारण के समय का ही है, और जुगल गीत जो है वो भी गोचारण के समय का ही है। दिन में जब गोचारण के लिए चले जाते थे तो गोपियों को विरह की स्फूर्ति दिन में होती थी, और रात्रि में गोपियों के पास जैसे पहले रहते थे भगवान, ठीक उसी प्रकार मथुरा जाने के बाद भी गोपियों के पास श्री कृष्ण की स्मरणा होती है। इसलिए देखो, इसीलिए गोपी के इस जीवन का जो वर्णन है रात्रि वाले, इसमें कहीं विरह का नाम नहीं है। विरह का वर्णन कब है? जब सूर्योदय के बाद उद्योगी मिलते हैं तब विरह का वर्णन है, रात्रि काल में गोपियों के विरह का वर्णन नहीं है। क्या कर रही है? उद्गायती नाम, गायंती नाम, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, गान कर रही है। क्या गान कर रही है भाई? अरविंद लोचनम गान का विषय बता दिया। एक गान का विषय क्यों बताया? तो देखो, कई लोग गाते हैं तो केवल स्वर के लिए गाते हैं, उनके मन में अर्थ का स्फुरण नहीं होता, झूम रहे हैं ताल पर, स्वर पर। संगीत के प्रेमी लोग देखो ना, एक वैदिक है हमारे मित्र, वृंदावन के, तो कहते हैं महाराज आप 100 वैदिकों में हमसे मंत्र पढ़वा लो, हमारे स्वर की बराबरी 100 पंडितों का स्वर भी नहीं कर सकता, ऐसा बोलते हैं। आप लोगों में भी कई लोग ऐसे हैं कि जो अपना स्वर अलग कर देते हैं, कीर्तन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो चाहते हैं कि हम इतने जोर से बोलें कि सब लोग पहचान जाए हमको, है ना, कि ये हमारी आवाज है, हम बड़े जोर से बोल रहे हैं। अरे भाई, संगीत का आनंद तब है जब सबका स्वर एक में मिल जाए। जब स्वर नहीं मिला, तुम्हारा अलग अलग हो गया, तो वो तो स्वर जाति रमिश्रता हो गया। तो एक तान चूकी कह बजायो, वैसे हरि राधा संग, एक तान चूक गया भाई, जब तुम्हारी आवाज अलग मालूम पड़ी तो वो स्वर नहीं है, वो ताल नहीं है। तो ये तो स्वर में स्वर मिले, फिर मन में मन मिले, और फिर सबके मन में भगवान, ऐसी स्थिति संकीर्तन में उत्पन्न होनी चाहिए। ये भगवत प्राप्ति का मार्ग है। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम, तो कई लोग तो स्वर के लिए गाते हैं, तो जो स्वर के लिए गाते हैं बाबा उनका स्वर में लय हो जाएगा, मानते हैं गांधर्व वृद्ध के अनुसार, संगीत विद्या के अनुसार स्वर में लीन हो जाना ये भी एक लय समाधि की साधना है, करो लय समाधि की साधना है, भक्ति की साधना नहीं। भक्ति में अगर मन डूब गया तो सब गया, भक्ति में तो मन में
प्यारा होना चाहिए, मन में भगवान होना चाहिए, मुरली मनोहर पीताम्बर सारी ज्ञान सुंदर वो होवे मन में। अच्छा, कई लोग धर्म के लिए जाते हैं, कई लोग स्वर के लिए जाते हैं, कई लोग धर्म के लिए जाते हैं। हमको याद है, हम बच्चे थे तो हमारे बाबा जब प्रातः काल उठते तो वो थोड़ा सा श्लोक बोलते हैं, जैसे ना प्रातः प्रातः स्मरामि प्रातः नमामि, फिर गाइये गणपति जगबंधन शंकर सुवन भवानी नंदन। तो धर्म के लिए गाना दूसरी चीज है, अगर धर्म के लिए गाना होता तो यहाँ अरविंद लोचनम पद का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। तो वो गाती हैं गोपियां तो क्या गाती हैं? तो वो गाती हैं कमल नयन को, कृष्ण का दूसरा नाम न दे करके अरविंद लोचन नाम देना, इसका अर्थ है कि गोपियों के आंख के सामने श्री कृष्ण की बड़ी बड़ी आंखें हैं, अरविंद लोचनम। और अरविंद लोचन कहना सर्वांग सौंदर्य का उपलक्षण है, लोचन के सौंदर्य का जो वर्णन है, लोचन का सौंदर्य केवल ये नहीं कि आंख तो है कमल तरीकी है और नाक है मेढक तरीकी है ना, तो ये नहीं, इसके सौंदर्य इसका नाम सौंदर्य नहीं होता है। एक अंग के सौंदर्य का वर्णन जो है वही सर्वांग के सौंदर्य का उपलक्षण होता है। जैसे सुग्रु बोलते हैं तुम्हारी भावें बड़ी अच्छी हैं, सुगति बोलते हैं तुम्हारे दांत बहुत अच्छे हैं, तो केवल दांत ही दांत अच्छे हैं या भावें ही भाव अच्छी है ये उसका अभिप्राय नहीं होता। वो तो एक अंग के सौंदर्य का वर्णन सर्वांग के सौंदर्य का वर्णन होता है। तो अरविंद लोचनम श्री कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण का लोच यहाँ कहती है जो जगमग जगमग चमकती रहती है हमेशा, कमल में बहुत विशेषता होती है। ये अरविंद शब्द जो है ना, अरविंद शब्द का अर्थ है कि जो अंधेरे में कभी न हो। अरविंद शब्द में ये रविंद तमा, रविंद बोलते हैं अंधकार को, तमिश्रा को, और जो रात्रि में बिल्कुल नहीं होवे, अंधकार में बिल्कुल नहीं होवे, बिल्कुल न खिले, उसका नाम होता है अरविंद। तो श्री कृष्ण की आंख जो है वो अंधकार में नहीं खिलती है, वो तो गोपियों को देख देख के खिलती है। बोला गोपियों को देख देख करके खिलती है, हमारी ओर देखो वो देख रहे हैं, हाँ वो तिरछी आंख से देख रहे हैं, दाहिने कहिए बाएं देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं, ललित नेत्र से देख रहे हैं, आर्त नेत्र से देख रहे हैं, याचित नेत्र से देख रहे हैं, कलित नेत्र से देख रहे हैं, अरविंद लोचनम कैसे खिले हुए नेत्र प्रफुल्लता। आंख जो है वो ये एक फूल है, फूल ये मुरझाए हुए शोभा नहीं देते हैं, ये खिले हुए शोभा देते हैं, इसीलिए कमल की उपमा देते हैं। तो एक तो खिले हुए हो, दूसरे कोमल हुए हो, और तीसरे बड़े बड़े कर्ण स्पर्शी कमल की पंखड़ी के समान हो। और चौथे महाराज एक और गुण है अरविंद लोचन का, पर वो हम इस प्रसंग में बताते नहीं है, उसमें एक असंगता रूप गुण भी नेत्र में होता है और वो भी कमल के द्वारा रक्षित होता है। ये नहीं कि जहाँ चिपक गए वहाँ चिपक गए वहाँ चिपक गए, ऐसे नहीं। अरविंद में एक असंगता रूप गुण भी कमल में कोमल कोमलता है, सौंदर्य है तो और प्रकाशमानता है, प्रफुल्लता है, वो परम आनंद को अभिव्यक्त करने के लिए है, प्रेम प्रकट करने का प्रथम द्वार ही नेत्र है। तो श्री कृष्ण अरविंद लोचनम गाय रही हैं गोपियां और श्री कृष्ण उनकी चित्त वृत्ति में प्रकट है। तो देखो मन का वर्णन मन में है अरविंद लोचन, और गाय रही हैं अरविंद लोचन, और काम कर रही हैं श्याम सुंदर के लिए, और उनका सौंदर्य है श्री कृष्ण के लिए, और उनका शरीर है श्री कृष्ण के प्रति अर्पित। अब उनकी ध्वनि क्या करती है, उद्गायती नाम अरविंद लोचनम व्रजांगनानाम दिवम स्पृश ध्वनि। उनकी ध्वनि जो है वो विष्णुपद का स्पर्श कर रही है, दिव बोलते हैं शक्ति के लिए विष्णुपद, आकाश का स्पर्श कर रही है, आकाश का स्पर्श तो सबकी ध्वनि करते हैं,
और स्वर्ग लोक तक जा रही है। तो स्वर्ग लोक तक जा रही है तो मथुरा तक जरूर जाती होगी, आप ये समझ लेना। बोला जहाँ जहाँ श्री कृष्ण होते होंगे वहाँ वहाँ उनकी ध्वनि पहुँचती है, ये मांगलिक ध्वनि है। माने श्री कृष्ण जहाँ भी होंगे वहाँ गोपियों के इस गान को श्रवण करें। दघ्नश्च निर्मन्थन शब्द मिश्रितो निरस्यते येन दिशामंगलम्। अब ये कहते हैं कि इधर दही मथा जा रहा है तो उसके निर्मन्थन का शब्द उसमें मिल गया। तो देखो यहाँ क्या है कि ध्वनि दोनों तरह की है। आहत माने एक तो किसी खास अर्थ में बोली हुई संगीत की ध्वनि है और दूसरे दधि मंथन की ध्वनि है और मथानी नाच रही है और कुंडल जो है वो तान तोड़ रहे हैं और कंकड़ जो है ये बाजे बजा रहे हैं। तो क्या आनंद का मंगल ध्वनि हो रही है। अब बोले इससे क्या होता है, इससे गोपियों के विरह का दुख भागता है। नारायण कहो विरह का दुख कहाँ आया, ये तो उद्धव जी सुन रहे हैं उसी समय, सुखदेव जी महाराज सुन रहे हैं। बोला ये सैकड़ों वर्ष बाद सुखदेव जी उसको श्रवण कर रहे हैं, उनको आकाश में वो गोपियों का संगीत दिव्य संगीत और वो दधि मंथन की ध्वनि और वो उनका संगीत मालूम पड़ रहा है। बोले निरस्यते येन दिशामंगलम्। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे दसों दिशाओं में जितने अमंगल हैं उनका निराश हो रहा है। अमंगल माने मंगल विरोधी। तो मंगल विरोधी कौन है, जो पृथ्वी को दुख देने वाला है वो मंगल विरोधी है। क्यों, तो मंगल भौम है, पृथ्वी का पुत्र है मंगल। पृथ्वी चाहती है कि जगह जगह मंगल हो। मही मंगल भूष्ठ पूरा ग्राम प्रजा करा। जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन मही जो है वो पूर्व में, पूर्व माने मथुरापुर ग्राम माने नंद ग्राम आदि, मही मंगल भूष्ठ पूरा ग्राम ब्रज ब्रज गोकुल आदि और आकरा रत्नाकर में रहने वाली द्वारका आदि, आकर माने द्वारका, सर्वत्र मंगल ही मंगल का साम्राज्य हो गया। तो श्री कृष्ण ने जन्म लेकर के मंगल का साम्राज्य स्थापित किया। अब गोपियां क्या कर रही हैं, बोले यदि कोई बचा कुचा मंगल का विरोधी हो, मंगल का साम्राज्य स्थापित करने के लिए कृष्ण ने जन्म लिया, तो अब यदि कोई बचा कुचा मंगल का विरोधी हो तो उसको हम इस मथानी की आवाज से सावधान भाई, ये मथानी की आवाज या मंगल को दूर करने वाली है। एक बात और है जिसमें आदिदैविक शक्ति है, क्योंकि विष्णुपद का स्पर्श करके दिवम स्पर्श ध्वनि, ये विष्णुपद का स्पर्श करके व्याप्त हो रही है, इसलिए ये केवल आदिभौतिक अमंगल को दूर करने वाली नहीं है बल्कि आध्यात्मिक अमंगल। जो ये सुनेगा कि ये गोपी गा रही है और मथानी जो है वो घर 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 बज रही है, उसका क्या होगा, तो उसके जीवन में अगर कोई अमंगल होगा है ना, तो वो दूर हो जाएगा। अमंगल क्या है, जिससे हमारी गति में बाधा पड़े थोड़ी अमंगल है। मंगल माने प्रगति हो, मंगल माने आगे बढ़ना। अभी बताऊ जिससे गति हो, जिससे हम आगे बढ़े उसका नाम मंगल है, और जो हमें आगे बढ़ने से रोके तो अमंगल। अब तुम क्या करो, तो अमंगल को दूर करना चाहते हो तो गोपी के मुख का संगीत श्रवण करते हुए और उसमें दधि मंथन जो हो रहा है उसकी ध्वनि उसको श्रवण करो। निरस्यते येन दिशामंगलम्। अच्छा, आगे का प्रसंग।